दोस्तों ये भीड़ देख रहे हो, ये है भोला लिट्टी का भीड़। मतलब एक लिट्टी के दुकान पे भाई एक इंसेन सुना जाता है, ये लाखपति लिट्टी वाले हैं और इनका लिट्टी बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली होता है तो चलो देखते हैं, इसके बारे में बात भी करेंगे। हमारा लिट्टी बन रहा है यहाँ पे, इसमें रहता है एक्चुअली सत्तू का पूड, पूड में सत्तू के साथ लिट्टी बना के दिखाइए दोस्त लोगों को। देखिए आटे का गोला ले आ जा रहा है, उसमें स्टफिंग तो बहुत ज्यादा डाला जाता है दादा। ऐसा सामान बेचते हैं कि लोगों का आदत खराब हो जाता है। अब बोलिएगा कैसे आदत खराब हो जाता है? तो भाई जो पहला बार लिट्टी खाएगा उसको बढ़िया लगेगा, अब वो दोबारा कभी भी रांची आएगा तो वो हमको एक बार याद करेगा कि चलते हैं भाई भोला भाई का लिट्टी खाएंगे, यही आदत खराब हुआ। बहुत बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे लिट्टी को सेका जा रहा है, ये देखिए यहाँ के ओनर। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो नाम क्या है चाचा जी? नाम भोला हुआ, लोग भोला लिट्टी के नाम से जानते हैं। लिट्टी कितने का आता है आपका? घी वाला लिट्टी 90 रुपया प्लेट है, 2 पीस आता है। सूखा वाला 60 रुपया प्लेट है, 2 पीस आता है। दही बड़ा 90 रुपया प्लेट है, 2 पीस आता है। दही कचौड़ी है, पेड़ा है, यही सब आइटम है हम बेचते हैं। तो लिट्टी आपका थोड़ा ज्यादा ही है ना प्राइस नॉर्मल से? नहीं नहीं, प्राइस तो खैर सुनने से ज्यादा लगता है। हाँ, हाँ। लेकिन खान एक लिट्टी में, हमारा लिट्टी में एक लिट्टी में 25 रुपया 26 रुपया का घी जाता है। सुनने में आपको ज्यादा जरूर लग रहा है, खाने से आपको पता लगेगा कि भाई इसमें घी कैसा है। राष्ट्रपति जी को भी लिट्टी खिलाया है, ये देखिए। चाचा जी आज सुना ही गया है कि आपका लिट्टी बाहर में भी जाता है। हाँ, बाहर तो प्रत्येक दिन जाता है। प्रत्येक दिन? हाँ जी। अच्छा, हवाई जहाज हमारा लिट्टी प्रत्येक दिन चढ़ता है। सही में? सही में। आपका क्या है, एक ही दुकान है यहाँ पे? यहाँ एक है, एक एयरपोर्ट रोड में है। अच्छा, यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूरी पे है। यहाँ का थोड़ा एड्रेस बताइए चाची। एयरपोर्ट हुआ, ये चौक का नाम तुलसी चौक हुआ। और रोज बैठते? रोज बैठते हैं जी। टाइमिंग? 4 से 10। अच्छा, शाम का 4 बजे से रात का 10 बजे तक। तो दोस्तों ये हाई कोर्ट 4 नंबर गेट के एकदम सामने है और यहाँ पे जो अंकल चाचा जी है उनके साथ बात करते तो भाई बहुत बढ़िया लगा। तो यहाँ का लिट्टी भी थोड़ा चखेंगे और चख के आप लोगों को बताएंगे कि टेस्ट में एक्चुअली 90 रुपए का लिट्टी है या नहीं। साइज दिखाइए थोड़ा दादा। साइज बस बढ़िया है, मोटा है, गोल है एकदम। ये मसाला किसके लिए है? दही बड़ा के लिए? दही बड़ा। ओ, एकदम घी में डुबाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे तादाद में लिट्टी सेका जाता है और दही बड़ा है और ये क्या है, पेड़ा है, कचौड़ी भी है। हमारा है आलू चोखा। आलू चोखा है? जी आलू चोखा है। अच्छा, इमली का चटनी है। दही बड़ा के लिए चटनी, टमाटर का। टमाटर और क्या रहता है इसमें? प्याज लहसुन डाला हुआ है। सीता में जैसा मिठाई को छुपाया जाता है वैसा ही है। ये है 90 रुपए का लिट्टी, मतलब एक पीस 45 रुपए। 45 रुपए। ये देखिए एकदम घी में डूबा हुआ लिट्टी फट गया है, इतना ज्यादा घी है और अंदर में सरसों का स्टफिंग है। इसको थोड़ा चख के बताएंगे। मैं बंगाली हूँ मगर मुझे लिट्टी खाना बहुत पसंद है। चाचा बहुत बढ़िया है और जो घी है, घी का बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। सच में 90 रुपए अगर डॉक्टर खाओगे ना, एकदम पैसा वसूल वाला घी है। ऐसा घी आप लोग कलकत्ता में नहीं, ऐसा घी आपका कलकत्ता में नहीं है। हम जाते हैं ना काम करने तो हमको पता है। सूखा चटनी भी बढ़िया है मगर घी का जो स्वाद आ रहा है, जो स्मेल आ रहा है ना, वो एकदम काबिल तारीफ है। मेरे को तो ये लिट्टी खा के भाई बहुत मजा आया लिट्टी खा के। तो अगर आप यहाँ पे, यहाँ का लोकल से, तो आपको पता है ये जगह का सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे जैसा ट्रैवलर है आइएगा यहाँ पे, जरूर एक पीस अगर खाओगे तो आपका मन भर जाएगा। वैसे ये लिट्टी का खाना मैं
कंप्लीट करते हैं कैसे इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, अंटिल सब्सक्राइब किया, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो कैसे इन द नेक्स्ट।